कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं, पुलिस उन सब की जांच कर रही है। 50 वहां खोखे मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहां गोलीबारी हुई है। आज सुबह ही पुलिस को पुनः निर्देश दिया गया है कि उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तैयार करें। बिहार में लाल बालू के काला कारोबारियों पर अब बिहार पुलिस भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। कल राजधानी पटना के बीटा इलाके के अमनार गांव में जिस तरीके से गोलियां चलने की खबर आई और 4 से 5 लोगों की मौत की खबरें कल पूरे दिन चलने लगी, मगर आज इस पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ साफ कह दिया है कि एक लोग यानी एक व्यक्ति की पुष्टि हुई है जिनकी मौत गोली लगने से हुई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जी हाँ, कॉम ऑपरेशन किया जा रहा है जहाँ पर पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। जो भी वहाँ पर लोग इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीटा थाना के अमनाबाद गांव और अमनाबाद गांव से सटे अमनाबाद देहरा में गोलीबारी की सूचना मिली हुई। सूचना पर ये एरिया बीटा मनेर और नदी के उस तरफ कोयलवर और इस तरफ जाएंगे तो छपरा का डोरीगंज, ये सब नदियों के देहरा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ सोन नदी का देहरा और डोरीगंज की तरफ बढ़ते हैं तो गंगा नदी का देहरा पड़ता है। देहरा में जगह जगह टापू बने हुए हैं और उसमें जो गोलीबारी की सूचना मिली उस पर पुलिस की टीम पहुंची है। वहां पर जाने पर जो पता चला और जो जानकारी मिली और जो घटनास्थल का निरीक्षण हुआ उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि दो पक्षों के बीच वहाँ गोलीबारी हुई। कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं, पुलिस उन सबकी जाँच कर रही है। 50 वहाँ खोखे मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ गोलीबारी हुई है। एक व्यक्ति की जिसका नाम विमलेश कुमार, जो इस देहरा में मजदूर के रूप में काम करता था, उसकी गोली लगने से मृत्यु की बात पता चली है। चांदी थाना भोजपुर का ये रहने वाला था, वहाँ पर उनके परिजनों द्वारा फर्द बयान दर्ज कराया। पुलिस को तत्काल जैसे ही सूचना मिली, यह कहा गया था कि कितने लोगों को गोली लग सकती है, लगी हुई है या कितने लोगों की मृत्यु होने की संभावना, उस पूरी छानबीन की जाए। पुलिस के द्वारा आसपास के गांव में, बीहटा में, मनेर में या आसपास के सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में जांच किया गया। अभी तक मेरे पास में जो सूचना है उसके अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के गोली से जख्मी होने का कोई भी व्यक्ति वहाँ भर्ती नहीं हुआ है। आज सुबह ही पुलिस को पुनः निर्देश दिया गया है कि उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तैयार करें, फोर्स को जुटा करके और फोर्स के साथ में आसपास के इलाकों के थाना प्रभारियों के सहयोग से कॉम्बिंग ऑपरेशन करें। इस पूरी घटनाक्रम में कांड दर्ज करके जो वांछित अभियुक्त हैं, जो इस कांड में किए हैं, उनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई और ठोस कार्रवाई बहुत जल्दी करने का निर्देश दिया गया। तो आपने सुना जितेंद्र सिंह गंगवार को, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले जिस समय खबरें निकल कर आएँ उसके बाद बिहार पुलिस के जवान और बीटा पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और वहां पर ऑपरेशन चलाया जाता है। तमाम हॉस्पिटलों को और गंगा नदी को भी खंगाला जाता है, मगर कोई भी बॉडी वहां पर पुलिस को नहीं मिलती है। जिसके बाद सूचना मिलती है कि एक बॉडी मिली है जिन्हें गोली लगने से मौत बताई जा रही है। और इसकी पुष्टि करते हुए आज एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने कह दिया है कि किसी भी बालू माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहे। अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।